14th क्वेश्चन 50 लाख रुपीस, रेडी डॉक्टर साहब? यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, डॉक्टर रोहित गुप्ता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ।2022 में भारतीय डाक ने इनमें से किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किया? इन द ईयर 2022 इंडिया पोस्ट डिड नॉट रिलीज अ कमेमोरेटिव स्टैम्प टू मार्क 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। आई थिंक सर नागालैंड होना चाहिए सर इसका आंसर, क्योंकि नागालैंड सबसे असम तो था नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद जो दूसरा स्टेट बना है वो नागालैंड बना है। आई थिंक 1955 के करीब, याद नहीं एग्जैक्ट। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम बना है 1987 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 आई थिंक, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत गिरा देंगे नीचे आपको 3-20 पर, कोई लाइफ लाइन नहीं। 1950 स्टेट हुड इसका हुआ नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के, मिजोरम 1987 में, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड पहले बनाया, नागालैंड, नागालैंड सब भी लग रहा है इसका आंसर मुझे, बहुत श्योर नागालैंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। फाइनल उत्तर नागालैंड। बहुत सोच विचार के बाद कंप्यूटर महाशय बी नागालैंड कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि नागालैंड होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि नागालैंड वही 1955 के करीब जो सेकंड स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, जो सेवन सिस्टर बोलते हैं सर, उसमें सेकंड स्टेट नागालैंड है आई थिंक। मैं यदि असम तो पहले था, फिर नागालैंड है, फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है आई थिंक, यदि मैं सही मतलब जितना मैं सोच पा रहा हूँ सर, उस हिसाब से सर मैंने रिस्क लिया है। अच्छा शांत हो जाइए, बिल्कुल सही। क्या प्रश्न था, कैसे आपने सोच के इसका जवाब दिया, बधाई 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 आपको। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने 1972 जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, 1972 में राज्य का दर्जा हासिल किया। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड के लिए स्टैंप 2013 में रिलीज किया गया था। यह है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आप। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, चंचल जी ये रहा। इनमें से कौन सा देश
लगभग 1000 से अधिक वर्षों तक मुख्य रूप से चंपा साम्राज्य का गढ़ था. Which of these countries was primarily home to the Champa kingdom for more than 1000 years? A. Bhutan. B. Vietnam. C. Nepal. Or is it D. Myanmar? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी. लाइफलाइन लेना चाहेंगे. वीडियो कॉल फ्रेंड. ओके ज्ञाननाथ जी, चंचल सिंह जी, अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल फ्रेंड इसको लेना चाहेंगे. इसको अंकित कर दीजिए. चंचल जी आपने तीन नाम लिए थे. जी सर. ये रहे वो नाम. साक्षी मनकर हैं, विक्रम सिंह हैं और पूजा मालवीय. सर साक्षी मनकर को कॉल किया. ओके साक्षी मनकर को फोन लगाया जाए. ये कौन है, आपके मित्र हैं, रिश्ते में हैं? ये मेरे साथ डांस क्लास में आते हैं. डांस क्लास में आते हैं. जी सर. ऑलराइट साक्षी जी, प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. कौन बनेगा करोड़पति से? कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर. आपको बता दें कि चंचल सिंह जो आपकी साथ में नृत्य सीखती हैं, वो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे. तो उनकी आवाज में अभी आप एक प्रश्न सुनेंगी. उसके चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी और आप बताइए कि सही उत्तर क्या है. और 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा आपको साक्षी. ठीक है. ऑलराइट अगली आवाज चंचल जी की. चंचल आपका समय शुरू होता है. आप साक्षी क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंट्रीज वाज प्राइमरली होम टू द चंपा किंगडम फॉर मोर देन 1000 इयर्स. चंपा किंगडम के बारे में कुछ नॉलेज है कहाँ पे हो सकता है? ऑप्शन है भूटान, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार. चंपा किंगडम कहीं पढ़ा है इसके बारे में? भूटान, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार. वियतनाम. वियतनाम. श्योर? वियतनाम. ठीक है. ओके थैंक्स. उनके 45 सेकंड पूरे हो गए. आपके पास समय समय क्या कीजिएगा? सर वियतनाम को. बी वियतनाम पे जाना चाहेंगे? ऑलराइट बी वियतनाम पे ताला लगाया जाए. वो देख रहे हैं बहुत उत्सुकता थे. सही है या गई? सही जवाब आपका. Well played. चंपा साम्राज्य वियतनाम के मध्य और दक्षिणी तटीय क्षेत्र में फैला हुआ था और ये चाम लोगों द्वारा स्थापित किया गया था जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित पॉलिनेशियंस थे. दे वर पॉलिनेशियंस. और अंततः चाम वियतनामी संस्कृति में मिल गई और वियतनामी संस्कृति पर चाम संस्कृति का बहुत ही प्रभाव पड़ा. वियतनाम. साक्षी क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया उन्होंने. अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का. तैयार हो जाइए. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस लेखक के दादा 19वीं शताब्दी में करारबद्ध मजदूर के रूप में भारत से वेस्टइंडीज गए थे? The grandfather of which of these writers went to the West Indies from India as an indentured laborer in the 19th century?
समझ गए? जी सर। ऑप्शन सुनिए, ए फारूक धोंडी, बी सिद्धार्थ मुखर्जी, सी झुंपा लाहिरी, डी वी एस नायपॉल। इनमें से किस लेखक के दादा 19वीं शताब्दी में करारबद्ध मजदूर के रूप में भारत से वेस्ट इंडीज गए थे? कोई लाइफलाइन नहीं है, सही उत्तर देंगे 12:50। अगर आपको आगे खेलना है तो आपको सही उत्तर देना होगा। न मालूम हो, रिस्क न लेना चाहे, आप क्विट कर सकते हैं 6:40 आपकी जेब। सर मेरे हिसाब से मुझे डी वी एस नायपॉल लग रहा है, और ये राइटर भी है और इन्होंने पुरस्कार भी जीता है, और शायद जहां तक मैंने सुना है ये वेस्ट इंडीज से इंडिया आए हैं। तो सर मुझे वी एस नायपॉल जहां तक लग रहा है वो डी होना चाहिए। सर थोड़ा अनश्योर भी हूँ तो मैं स्ट्रॉन्गली कह नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे को एक गट इंस्टिंक्ट लग रहा है डी। तो सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आई थिंक आई वुड लाइक टू क्विट द गेम। क्विट करेंगे? सर गट इंस्टिंक्ट के साथ जाना तो चाहता हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ। द ग्रैंडफादर ऑफ विच ऑफ दीज राइटर्स वेंट टू द वेस्ट इंडीज फ्रॉम इंडिया? सर मैं डी वी एस नायपॉल को लॉक करना चाहता हूँ। आई थिंक मैं अपने गट इंस्टिंक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। फाइनल उत्तर आपका डी वी एस नायपॉल? जी। ज्ञाननाथ जी डी वी एस नायपॉल पे ताला लगाया जाए। कृष्णा जी आपने बहुत सोचने के बाद कहा था कि आप क्विट करना चाहें। सर लग रहा था मुझे क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट एक गट इंस्टिंक्ट भी थी और मैंने कहीं पे पढ़ा भी था। क्या वजह थी कि आपने अपने मन को बदला? सर जब कभी मुझे ऐसा लगता है स्ट्रॉन्गली, जब कोई चीज लगती है गट इंस्टिंक्ट बैक्ड बाय थोड़े फैक्ट्स, तो मुझे लगता है उसके साथ जाना चाहिए, तो मैं उसके साथ गया हूँ। सर मान्यवर अगर आप क्विट कर जाते 6:40 तो आपको मिल जाते, अब मिल रहे हैं 12:50। सही जवाब दिया आपने। सर ये मैंने पढ़ा भी था बट मैं अनश्योर हो रहा था। वी एस नायपॉल भारतीय मूल के हैं लेकिन स्वयं भारतीय नहीं हैं। वे ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में पैदा हुए थे जी। उन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला भी उनको मिला, और अन्य 3 लेखक भारत में पैदा हुए जी।